सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राजीव रंजन और मैं इस चैनल पे एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड और एविएशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं और जॉब कैसे मिलेगा आपको, इससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ इस चैनल पर। तो अगर आप इन सारे कंटेंट्स में से किसी भी कंटेंट्स को आप पसंद करते हो, आप देखना चाहते हो इससे रिलेटेड वीडियोज़, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे करो ताकि सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो यार, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक एविएशन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। आई होप मेरा जो आवाज़ है ये दूर तक पहुँचे। आप लोग शेयर करोगे तभी पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। तो इस वीडियो को पूरा शेयर करो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अनपेड कल्चर इन एविएशन। तो यार देखो, अनपेड कल्चर क्या है, मतलब आपसे काम तो कंपनी ले रही है लेकिन आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनपेड कल्चर इन एविएशन। और ये एविएशन में ही नहीं है, और भी बहुत जगह पर ऐसा है, बट क्योंकि मैं एविएशन से रिलेटेड हूँ तो मैं सिर्फ एविएशन में ही बात करूंगा। सो देखो, अनपेड कल्चर यार होता क्या है कि अगर आप एमी कोर्स किए हो तो मेनली ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही होता है, उनका ही शोषण हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। तो देखो, होता क्या है कि अगर आप आपको इंटरेस्ट है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स करने में तो आपने कर भी लिया, ठीक है, बट कॉलेज में जब आप रहते हो तो आपको बताया जाता है पूरा बढ़ा चढ़ा के कि आपको इतना मिलेगा, आपको 2 लाख पर मंथ मिलेगा, 4 लाख पर मंथ मिलेगा, बट स्टार्टिंग का जो फेज है वो आपको भाई साहब कोई नहीं बताता है कि आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ सकता है अगर आपको इनिशियल फेज में जॉब नहीं मिला तो। अगर आप लकी नहीं हो, मैं मानता हूँ कि 10 में से 2 लोग 3 लोग को ही जॉब मिल पाता है एविएशन में, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाता है, ठीक है, उनको अनपेड काम करना पड़ता है। सो देखो क्या होता है, तो चलो आप एमी कोर्स तो कर लिए, उसके बाद 6 मंथ का आप अप्रेंटिसशिप पॉजिटिव भी कर लिए, बट उसके बाद तो आपको जॉब एनी हाउ करना ही करना है, बिकॉज एमी में वही लोग आते हैं जो कि यू नो मीडियोकर्स फैमिली से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। तो उसके बाद चलो 6 मंथ तक तो कोई कंपनी अगर आपको यू नो पेड नहीं कर रही है, चलो ठीक है, वो आपका सीखने का फेज है, बट भाई साहब मैंने एविएशन में बहुत सारे कंपनीज देखा है और अभी सुन भी रहा हूँ, बहुत सारे जूनियर्स भी हैं ऐसे ऐसे कंपनीज में जो कि 6 मंथ के बाद भी यू नो उनको कोई भी पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, और 6 मंथ के बाद कंपनी बोल रही है कि आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लो, यानी कि अपना जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो यार ऐसे करते करते बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1.5 या 2 साल तक भी अपना जो ट्रेनिंग है वो एक्सटेंड करवा ली है एमी कोर्स करने के बाद। तो आप सोच सकते हो उन स्टूडेंट्स पे क्या बीतेगा जो यू नो एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में काम तो कर रहे हैं बट उनको कोई बेनिफिट यू नो जो मेन बेनिफिट होना चाहिए वो कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं हो रहा है, और वो जो कंपनी है वो शोषण कर रही है, ठीक है। और ये मैं पर्सनली एविएशन में हूँ तो यार मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं इस चीज़ के ऊपर यू नो वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग बहुत जगह शेयर करो इस चीज़ को, ताकि कहीं ना कहीं ये पहुँचे। मैं जो एविएशन मिनिस्ट्री हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अनपेड का जो सीन है एविएशन में उसको प्लीज़ हटा दीजिए, कुछ तो पेड कीजिए, जो 6 मंथ या 1 ईयर या जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको कुछ तो 5,000 10,000 कुछ तो पेड करो अनपेड, क्योंकि काम तो कर रहे हैं, काम तो सीख रहे हैं। और वही होता है कि जो लोग सोर्स लगा के आ जाते हैं कंपनी में उनको काम भी नहीं आता है, बट जो पहले से काम कर रहे हैं बंदे उनको काम आता है लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो जहाँ भी ये वीडियो पहुँचेगा, आई होप अगर आप लोग शेयर करोगे तो बड़े आदमी तक ये वीडियो पहुँचे, और आई होप इसके बारे में कुछ एक्शन लिया जाए कि यार ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, ठीक है। अभी जस्ट रिसेंटली यू नो एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है ड्यू टू यू नो उसको OJT या शायद वो ट्रेनिंग किया हुआ था, उसको जॉब नहीं मिल रहा था कहीं पर। तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी करेंट में कर रहे हैं एमी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एमी कोर्स उन्होंने कर लिया है, अभी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आना बाकी हैं अभी। तो सोचो उनके फ्यूचर के साथ अगर आपको खिलवाड़ नहीं करना है तो यू नो एविएशन में पेड कल्चर लाना ही पड़ेगा। चलो 6 मंथ तक मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 6 मंथ तक आप नहीं दो, बट उसके बाद अब अगर आप एक्सटेंशन के लिए बोल रहे हो फिर कंपनी में बोले कि छोड़ दो, फिर रहने दो, मत दो, मतलब लीव इट,
यार स्टूडेंट्स आखिर करे तो क्या करे, उनको अगर पेड नहीं भी देगा तो उसको करना जरूरी है, बिकॉज और कहीं पे जॉब है नहीं एविएशन में, उनको एक्सटेंशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यार ये सब चीज़ ना एविएशन में देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जो लोग बाहर से सोच के आते हैं कि मैं एविएशन में बहुत अच्छा करूँगा, बहुत मन लायक काम करूँगा, तो ये ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो काम भी नहीं कर पाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सको, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। और जितने भी फ्यूचर अभी आना बाकी हैं स्टूडेंट्स एमी कोर्स जो कर रहे हैं अभी, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और यार मैं इस वीडियो में कोई भी कंपनी के बारे में नहीं बात करूंगा, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं सारे कंपनीज का तो नाम ले नहीं सकता हूं। अगर सारे कंपनीज का नाम लेने जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। इसलिए आप समझ लो कि एविएशन इंडस्ट्री में अगर आप हो तो आपको ये सब फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आप सोच समझ के जो भी डिसीजन लेना है आप बहुत मेहनत करो स्टार्टिंग में। सर मेरा हेल्थ थोड़ा डाउन है, अभी सर्दी वगैरह हो रखा है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना आप। सर ये बहुत बुरा हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ जो एमी कोर्स कर रहे हैं और जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। सर देखो मैं आगे आने वाले वीडियो में ना ये पूरा खेल को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस इस वीडियो में आप ब्रीफ में जान लो कि जो पूरा खेल है वो स्टार्ट होता है आपके पेशेंस लेवल ना होने के कारण। ठीक है, अगर आप में पेशेंस होगा तो आप इन सब चक्करों में नहीं फंसोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे ही एमई कोर्स कंप्लीट किए उनको ये एंग्जाइटी होने लगता है कि यार मुझे जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, तो वो कहीं भी जाके पैसा दे देते हैं। ठीक है, अगर मैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, बड़े बड़े एयरलाइंस कंपनीज की बात करूँ, तो चलो यार वो पैसे चार्ज कर रहे हैं कुछ, बट जो लोग बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिन्हों जो लोग 80,000, 1 लाख जस्ट फॉर 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग आफ्टर गिविंग 9 to 10 लाख इन कॉलेज, इतना एक्सपेंड करना पड़ रहा है उनको। सो ये बहुत ज़्यादा गलत है यार। दिस थिंग नीड टू बी स्टॉप्ड। ये इस टॉपिक पे वीडियो मैं आगे भी बहुत बनाता रहूँगा, जब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहोगे तब तक। ठीक है, तो ये जो कल्चर है जो स्टॉप होना बनता है, बिकॉज इन माई ओपिनियन दिस इज नथिंग मोर देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ तो नहीं बोल सकते उनको, एम्प्लॉयज़ तो कोई ट्रीट ही नहीं करता है। ओजेटी और टेक्नीशियंस और ट्रेनीज जो भी होते हैं तो वो तो बात ही अलग है। सो यार देखो सर, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच चुका है, अगर आप एक एविएशन से रिलेटेड बहुत बड़े अधिकारी हो या मतलब जो भी कहो, तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए, बिकॉज़ जो भी अनपेड काम कर रहे हैं फील्ड में ये सही नहीं है। सो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। सो यार आज के इस वीडियो में बस जस्ट यही इन्फॉर्मेशन देने आया था और जस्ट यही आपको बताने आया था कि मैं आज से एविएशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी जॉब्स वैकेंसीज हैं, जितने भी मतलब कुछ भी अगर एविएशन से रिलेटेड है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी तरह का अगर आप एक एविएटर हो तो आप मिस ना करो। सो यार आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आज का वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अगर आप मेरा ब्लॉग चैनल फॉलो नहीं किए हो, बिकॉज मैं ब्लॉग चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स डाल रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं अयोध्या गया था तो अयोध्या का बहुत सारा एपिसोड्स डाल चुका हूँ मैंने, कि 11 वीडियो, मतलब पूरा अयोध्या ही आप घूम लोगे। सो अगर आपको व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है तो जाके मेरा व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, फटाफट से जाओ और सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड या एमी कोर्स से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, इसको फटाफट से फॉलो कर लो। और लिंक होगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, वहाँ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो वो पूछ सकते हैं। और वीडियो का कमेंट सेक्शन में तो आप पूछ ही सकते हो। सो यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डबल बट प्लीज डोंट ट्रबल एनीबडी। हैव अ टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।